ट्विन सिटी में एसडीएम लक्ष्मण तिवारी ने नर्सिंग होम, अस्पतालों सहित पब और क्लब में छापामार कार्रवाई की। वही लापरवाही पाए जाने पर नर्सिंग होमों पर जुर्माना भी लगाया। ट्विन सिटी के दुर्ग भिलाई शहर में शनिवार को दुर्ग अपर कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी ने अस्पतालों व नर्सिंग होम का निरीक्षण किया, जिसके तहत भिलाई के हाईटेक अस्पताल, सुपेला नर्सिंग होम और सिन्हा नर्सिंग होम में दबिश देकर नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं दुर्ग में भी देर शाम नर्सिंग होम एक्ट के तहत निरीक्षण पर निकले एसडीएम लक्ष्मण तिवारी ने कई प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें कुछ खामियां पाई गई। निरीक्षण के दौरान एक निजी हॉस्पिटल में महिमा हॉस्पिटल में भी निरीक्षण किया गया तो वहां कुछ खामियां पाए जाने पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही व्यवस्था सुधारने अस्पताल प्रबंधक को समझाइश दी गई। इसी कड़ी में दुर्ग अपर कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी के द्वारा आबकारी फूट एवं पुलिस विभाग के साथ धमदा रोड स्थित गोल्डन पब एवं अंजोरा स्थित प्लेजर क्लब में जांच के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने संचालक को पब संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज दिखाने कहा। साथ ही अंजोरा स्थित प्लेजर क्लब पहुंच प्रबंधक को क्लब के संचालन से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा। इस संबंध में अपर कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज भिलाई और दुर्ग में कुछ औचित निरीक्षण किया गया, कुछ नर्सिंग होम्स का, हॉस्पिटल्स का। तो कुछ तो बहुत अच्छे से अपने कार्य जो है उनकी लाइसेंस थे, डॉक्यूमेंट्स थे और साफ सफाई भी अच्छे से रखे हैं। लेकिन जैसे कि ये सुपेला नर्सिंग होम है, सिन्हा नर्सिंग होम और एसेट्रा एसेट्रा, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ना पेपर से उनके पास, और उनकी नर्सिंग होम की हालात बहुत ही बदतर है। एक ही इंजेक्शन से वो लोग 4-4 लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो कि वायरल बीमारी पता नहीं क्या क्या होगा उससे। तो ये सब है, गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, ओटी है इनके पास लेकिन कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। मरीज को एडमिट करके रखे, इनको पता ही नहीं है कि कौन सी बीमारी है मरीज को। तो इनमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनकी जो मरीज़ हैं उनको बोल रहे हैं जिला अस्पताल में ट्रांसफ़र करें और अपनी दुकान को और हॉस्पिटल को बंद करें। और जब तक हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आई थी तो उसके आधार पर हम लोगों ने दो जगह भी कार्रवाई की है अभी तक। एक है प्लेजर क्लब और दूसरा था वहाँ गोल्डन बार एंड क्लब। तो दोनों जगह पे एक तो लाइसेंस की कमी पाई गई, इनके पास लाइसेंस नहीं है। और गोल्डन क्लब में सीन ऐसा है कि लाइसेंस किसी और का है, चला कोई और रहा है, तो ये मतलब ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है सब चीज़ें। यहाँ पे तो इनके स्टॉक रजिस्टर में बहुत भारी मात्रा में अंतर पाई गई, जो स्टॉक ये लोग रखे हैं लीकर का और जो स्टॉक इनके रजिस्टर में, उसमें भारी मात्रा में अंतर पाई गई। इनकी सेलिंग भी मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है, कि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो इनकी अगर सेलिंग देखी जाए एक दिन की, तो उसमें भी 50-60,000 का अंतर पाया जा रहा है अभी तक के काउंटिंग के हिसाब से। तो ये तो भारी लैब्स हैं। फिर फूड वाले भी इनका वो पाए कि ये लोग किसी भी अनब्रांडेड, जैसे विदाउट हॉलमार्क, विदाउट लाइक बार कोड, या फिर मतलब ऐसा प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो जिसकी कोई मान्यता नहीं है सरकार में। तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें डाल रहे हैं। तो इस पर अभी फूड वाले भी उसका जांच करेंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी, फिर आपको जानकारी दी जाएगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।